हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया रंजन कुमार और आज के क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। मिरर फॉर्मूला मिरर मींस जितने सारे स्फेरिकल मिरर होते हैं वहाँ पे हम लोग जो भी नंबरिकल बनाते हैं मोस्ट नंबरिकल इसी से आते हैं, मिरर फॉर्मूला से ही रिलेटेड। तो कह सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग एग्जामिनेशन के व्यू से करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। एक होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। और एक होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है और उस रिलेशन को स्फेरिकल मिरर के लिए उस रिलेशन को हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज भी एंड फोकल लेंथ एफ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और ये होता क्या है, तो वो होता है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, बहुत ही आसान। 1/u + 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। एक दूसरा चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? तो कोई भी इमेज जो बनाया जाता है मिरर के द्वारा, वो मिरर, वो इमेज ऑब्जेक्ट का कितना गुना बड़ा बना है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो सिंपल तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें मैग्निफिकेशन को, तो हम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ओके? और ये फॉर्मूला क्या होगा, एम इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, जहां पे एच आई क्या होता है, एच आई है साइज ऑफ इमेज, और ये एच ओ क्या है, एच ओ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्फेरिकल मिरर में अगर हम लोग बात करेंगे, तो स्फेरिकल मिरर में ये मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू के भी बराबर होता है। हम लोग इसको भी प्रूव करेंगे, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और जहां पे वी क्या है, वी है हमारा, भी है इमेज डिस्टेंस, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है। हालांकि ये फॉर्मूला मैंने लिखा, मैग्निफिकेशन होता है तीन अलग अलग प्रकार का, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक होता है एरियल मैग्निफिकेशन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन। तो हम लोग इसके बारे में आगे के क्लासेज में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिंपल मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे कि वो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन मीन्स साइज, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स एच आई बाई एच ओ। और स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये दोनों फार्मूला है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है और ये हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, और हम लोग इन दोनों को प्रूव करेंगे अभी। तो आप लोग पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के क्लासेज कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग इसको प्रूव करना है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को, उसके लिए हमको एक इमेज बनाना पड़ेगा। तो देखेंगे, ये मैंने बनाया एक प्रकार का कनकेव मिरर, वेरी गुड,
ये है कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, और फोकस से दुगनी दूरी पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज बनाने के लिए एक लाइट रे हमको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजना होगा, और दूसरे लाइट रे को हम भेजेंगे डायरेक्ट पोल पे। दूसरा लाइट रे को डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे भेजेंगे? पोल पे। और पोल पे जाने वाला लाइट रे क्या होता है? वो सेम एंगल बना करके और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इधर आएगा, ये दोनों एंगल सेम है, मीन्स इक्वल एंगल है, और ये कुछ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा इमेज। ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूँ ए बी, और इमेज को मैं मान लेता हूँ ए डैश बी डैश। या तो कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब बना सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके लिए क्या करना होगा, हमको मान लेना होगा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और वो परपेंडिकुलर मीन्स ये अगर एम है तो हमारा, या तो इसको ओ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही मान लेते हैं। तो ओ पी और ए बी हमारा दोनों इक्वल इक्वल है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ए बी पी में और ए डैश बी डैश पी में। तो ए बी पी में ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, ओके। और उसके साथ साथ हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो हमारा क्या होगा? हमारा होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, वेरी गुड। और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, क्यों इक्वल है? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, और ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। अब दोनों अगर सिमिलर हो गया, एस एस हमारा ये ए सिमिलरिटी है, अब ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला बट ये वाला इज इक्वल टू ये वाला लिख सकते हैं, मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है वो दोनों वो हमेशा इक्वल होता है, इसीलिए इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। अब वापस से हमको चलना है इस वाले ट्रायंगल में ए डैश बी डैश एफ में और ओ पी एफ में, ऑल्सो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ओ एफ। पी ओ एफ क्यों दोनों सिमिलर होगा? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है और ये जो एंगल दिख रहा है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसीलिए ये भी ए सिमिलरिटी से ए डैश बी डैश एफ और पी ओ एफ ये दोनों भी सिमिलर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, ये दोनों सिमिलर है ए सिमिलरिटी से, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई पी ओ इज इक्वल टू होगा ए डैश एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, ए डैश एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। और देखिए पी ओ तो हमारा बराबर होगा ए बी के, तो पी ओ की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, और ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, लिख सकते हैं ना। हम लोग इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जैसा अगर बनाना चाहेंगे ये ए बी बट ए डैश बी डैश है, ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी, और यहाँ पे ए डैश बट ए बी है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, तो ये हो जाएगा पी एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ, कोई दिक्कत?
हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दोनों का LHS बराबर है, AB बटे A'S B'S, AB बटे A'S B'S बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना AP बाई A'S P इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई A'S F, AP बाई A'S P इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई A'S F। अब सबका वैल्यू पुट कर देना, हमारा काम हो गया। AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू है ना हमारा यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इमेज है तो इमेज डिस्टेंस v से, और यहाँ से यहाँ तक फोकस है तो फोकल लेंथ f से। तो AP हमारा कितना लिखेंगे, AP हमारा लिखेंगे माइनस यू, माइनस यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये मिरर के सामने है, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलिए। A'P का वैल्यू कितना होगा, A'P का वैल्यू होगा माइनस भी, ओके। PF का वैल्यू कितना होगा, PF का वैल्यू है हमारा माइनस एफ, और A'F का वैल्यू, A'F का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग A'F का F का वैल्यू पहले लिख देते हैं, A'P माइनस PF, A'P माइनस PF, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ रहा है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा U बाई भी इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई A'P का वैल्यू कितना है, A'P का वैल्यू है माइनस भी और माइनस माइनस एफ, तो ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का नीचे का माइनस कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा U बाई भी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ही आसान, तो u इंटू एक मिनट ये भी है, भी माइनस एफ इज इक्वल टू भी एफ, तो u भी और u भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा भी एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको उधर भेज देते हैं, तो u भी इज इक्वल टू भी एफ प्लस यू एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, यू भी एफ से तीनों में डिवाइड करेंगे, यू भी एफ और यू भी एफ, तो यू भी कट गया यहाँ पे, भी एफ कट गया यहाँ पे और यू एफ कट गया यहाँ पे, तो हमारा क्या बचेगा, इसी प्रकार से एक में बचा केवल वन बाई एफ और एक में बचा वन बाई यू और एक में बचा वन बाई भी, और ये हमारा हो गया फार्मूला प्रूफ, मीन्स वन बाई एफ इजिकल टू वन बाई यू प्लस वन बाई भी। अब हम लोग को प्रूफ करना है मैग्निफिकेशन फार्मूला, तो मैग्निफिकेशन फार्मूला हम लोग इस इक्वेशन देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में देखेंगे तो ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो इसको उल्टा कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज और वो माइनस में है ना, नीचे बन रहा है ना, तो माइनस लिखेंगे। एपी कितना है, एपी है हमारा, एपी है हमारा माइनस यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ए से पी तक का, और एडस पी क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो लिखेंगे माइनस भी। अब इसको इसको कैंसिल, इसको उल्टा करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू भी बाई यू, और इधर वाला माइनस इधर हम भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच आई बाई एच ओ कहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम, तो एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू भी प्रूव हो गया, आसान है ना। तो हम लोग को अगर मिरर फार्मूला प्रूफ करना होगा तो हम लोग ये लिखेंगे मिरर फार्मूला इस प्रकार से प्रूफ करेंगे, और मैग्निफिकेशन फार्मूला इस प्रकार से प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे यूजेज के बारे में, मिरर का क्या यूज होता है, और ये हो सकता है कि मिरर का यूज जो है वो लास्ट क्लास हो मिरर के लिए, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग फिर दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स लाइट ही बहुत बड़ा टॉपिक को कवर करता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके कारण से थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, तो आप लोग बने रहें साथ में इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।